स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मार्स लाइट इंडिया में। और मैं अभिनव श्रीवास्तव आपको लेकर आया हूं इस समय लखनऊ में, लखनऊ नहीं बल्कि लखनऊ बाराबंकी और सीतापुर का बॉर्डर है। ये अमानी गंज के पास एक छोटा सा गांव है जहां ये 40 बीघे का पक्का बड़ा सा तालाब है, जहां आपको देखने को मिल रहा होगा हर तरफ पानी ही पानी है। इधर जरा दिखाइएगा, ये देखिए वो कमल लगे हैं। और ये एक तालाब है जहाँ फिश फार्मिंग की जाती है, किंग फिशरीज नामक संस्था है जो यहाँ फिश फार्मिंग कराती है। और ये देखिए ये अपना प्लांट लगा है। प्लांट आपको कुछ यूनिक लग रहा होगा, कुछ अलग लग रहा होगा, जैसे कि प्लांट्स हम लोग लगाते हैं ये उसके बिल्कुल विपरीत है। और ये प्लांट लगाया गया है हमारे कुशल कारीगर ओम प्रकाश जी द्वारा। तो ओम प्रकाश जी ये कितने दिन में बना है? ये हमें 4 दिन लग गए इसमें बनाने। ये जैसा बता रहे हैं एक प्लांट लगाने में हमको 4 दिन लगा है। और यहाँ क्योंकि ये 40 बीघे का तालाब है तो यहाँ हमने तीन प्रोजेक्ट लगाए हैं। तीन तरीके के प्लांट्स हम लोग लगा रहे हैं, और यहाँ चलेगा ये प्लांट मोनो ब्लॉक पंप के साथ। ये मोनो ब्लॉक पंप है 3 HP का सिंगल फेज, जिसपे लगेगी ये VFD। और ये अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये समर सिबिल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ का वाटर लेवल 17 फीट है और जहाँ वाटर लेवल 25 फीट से कम हो वहाँ हम ये पंप लगाते हैं, क्योंकि ये आपको आउटपुट देगा 4 इंच पानी का। तो यहाँ आपको मिलने वाले हैं 800 से ऊपर, लगभग 800 लीटर से ऊपर पर मिनट पानी, 820 लीटर पर मिनट पानी मिलेगा एक पंप से। तो ये देखिए एक प्लांट तो ये लगाया अपना, एक उधर देखिए हमारा स्ट्रक्चर तैयार है जिसपे अभी हमें पैनल लगाने हैं। और एक उधर दूर तक शायद ज़ूम करके दिख जाए, वहाँ थोड़ा दूर जा करके एक स्ट्रक्चर वो देखिए खड़ा है हमारा जिसपे हमें पैनल लगाने हैं। अब इस पैनल की जो यूनिकनेस है वो बताते हैं। तो यूनिकनेस ये है कि ये एक गोवर्धन पर्वत की तरह है, एक पोल पे खड़ा है, जैसे वो कृष्ण भगवान की एक चुंगनिया पे पूरा पर्वत उठा था, तो वैसे ही ये भी एक पोल पे खड़ा हुआ है। और थोड़ा नीचे दिखाइएगा। और ये एक पोल पे क्यों खड़ा है? ये इसलिए खड़ा है कि हम धूप के साथ इसको घुमा सके। जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होगी हम पूरे पैनल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। घुमा के दिखाइए थोड़ा सा, जबरदस्त। और अब आइए आपको पैनल के नीचे लेके चलते हैं। ये देखिए हम लोग पैनल के नीचे आ चुके हैं। और ये देखिए देखने में आपको पता चल गया होगा कि ये है बाईफेशियल पैनल। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे होंगे, कि मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ बाईफेशियल पैनल्स क्यों लगे हैं, क्योंकि भाई यहाँ तो मिट्टी है, तो यहाँ मिट्टी रहने वाली नहीं है, यहाँ की सरफेस हो जाएगी कुछ दिन में वाइट। और ये देखिए जैसा मैंने बताया था कि ये पैनल घूमेंगे, तो घूमेंगे तो जब सन हमारा डायरेक्शन चेंज करेगा, तो जब तक हम घुमा नहीं पा रहे हैं तो ये पीछे से भी इसको सनलाइट मिलेगी, तो इधर से भी ये चार्जिंग करता रहेगा। तो यहाँ एक स्पेशल एडवांटेज है बाईफेशियल पैनल लगाने का। लूम कंपनी के पैनल लगे हैं 450 वाट के। यहाँ पे एक प्लांट पे हमने कितना पैनल लगाया ओम प्रकाश जी? 8 पैनल एक प्लांट पे लगे हैं। टोटल तीनों प्लांट पे हम लगा रहे हैं 24 पैनल्स। तो दोस्तों ये देखते हैं ओम प्रकाश जी के साथ पहली और दूसरी मोटर का सफर परीक्षण। बिल्कुल धूप नहीं है, बहुत बढ़िया पानी दे रहा है, 3 इंची पानी निकाल रहा है। बिल्कुल धूप नहीं है, एकदम ठंडा मौसम है। एक मोटर हमने चालू कर दिया है, ये चल रहा है। ये देखो ये मोटर हमारी लगी हुई है। ये हमारे पैनल लगे हुए हैं। ये हमारी दूसरी मोटर चल गई है, बहुत बढ़िया पानी दे रही है ये भी मोटर। ये दूसरी मोटर का है, बहुत अच्छा पानी दे रही है। ये हमारी मोटर भी बंधी हुई है। ये पानी चल रहा है इसका। ये पैनल हमारे लगे हुए, ये दूसरी मोटर का है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्लांट आपको कैसा लगा, इसकी यूनिकनेस आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। या मन में कुछ सवाल उमड़ रहे हो तो वो भी पूछिएगा। साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से, किस जिले से, किस एरिया से देख रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके कि ये हमारे वीडियोस कहां कहां तक पहुंच रहे हैं। और अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में जल्दी, जब ये प्लांट चालू हो जाएगा तो एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।